रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। लखनऊ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। उन्हें लगता है कि पिछले दिनों में कई राज्यों में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार से नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लखनऊ में शुक्रवार को बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पत्रकारों से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल में जिन राज्यों में लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं, वे पूरी तरह से राज्य से जुड़े मुद्दों पर लड़े गए हैं। इन चुनावों से केंद्र सरकार की लोकप्रियता में गिरावट का आकलन नहीं किया जा सकता। यह भी पढ़ें, किसी सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर का उतना सम्मान नहीं किया जितना हमारी सरकार ने किया। पीएम मोदी रक्षा मंत्री ने कहा कि एक समय संसद में पार्टी के केवल दो ही सांसद थे, लेकिन आज 21 राज्यों में उसकी सरकारें चल रही हैं। इनमें से 12 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं, जबकि 8 राज्यों में पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं। सीतारमण ने हालांकि यह भी कहा कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर पर विभाग का ध्यान लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान इसकी घोषणा की थी। इससे बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी और लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। वीडियो दलित बीजेपी से असंतुष्ट एक सवाल के जवाब में निर्मला ने कहा कि जिन शहरों से होकर यह डिफेंस कॉरिडोर गुजर रहा है, उन शहरों से जुड़े लोग अपना उद्योग लगाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी उनसे मिलकर निवेश की बेहतर संभावनाएं तलाश रहे हैं। जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इनपुट आईएनए से हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।